हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ धनबाद के बहुत जाने माने शोरूम हर्षन इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे एक टीवी लेना है। टीवी तो मैं लूँगी, लेकिन थोड़ा सा शोरूम भी घूम के देख लेते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं। ये शोरूम है धनबाद के पुलिस लाइन में, हालांकि इनके और भी कई सारे शोरूम्स हैं। अब हम आ चुके शोरूम के सेकेंड फ्लोर में, सेकेंड फ्लोर भी घूम के देखते हैं और साथ में आप लोगों को भी दिखाते हैं। एंड नाउ फाइनली ये है मेरा टीवी। अब ये टीवी अनबॉक्सिंग होने वाला है। ओए, खुल जा सिम सिम। अब मेरा टीवी जल्दी ही खुलने वाला है। ये हो गया अनबॉक्सिंग। अब ये सर आए हैं, टीवी को इंस्टॉल करेंगे। बहुत कुछ नए फीचर्स है इस टीवी में जो हमें समझा रहे हैं ये सर। अब टीवी मेरा इंस्टॉल हो चुका है, अब इसका पिक्चर क्वालिटी देखते हैं। बस से ढका मैदान, सबक किनारे कुछ इमारतें, एक इमारत पर आसमान दुश्मन का सटीक निशाना, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इस तस्वीर में। ये यूक्रेन पर रूस के आसमानी कहर की नई तस्वीर है जिसे खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। अब आपको बताते हैं कि रूस ने इस जगह को अपने निशाने पर क्यों लिया। दरअसल रूस के हवाई हमले से तबाह हुई ये बिल्डिंग यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना है जहां रूस ने घात लगाकर आसमान से
गोला दागा और धमाके के साथ आसमान में धुएं के बादल छा गए। ये हमला कितना सटीक था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लक्ष्य को लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई से। अब मैं अपना ही चैनल अपने ही टीवी पे देख सकती हूँ। दोस्तों, आप सभी को होली का बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। जल्दी ही लौटते हैं दूसरा ब्लॉग लेके। तब तक के लिए सभी को मेरे तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार।